न्यायिक काम भी शुरू हो गए हैं। पहले की तरह सिविल कोर्ट में सभी न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य वर्चुअल मोड पर ही चलते नजर आए, जबकि उम्मीद थी कि नए साल पर फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिला अदालत समेत झारखंड हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य पिछले 10 महीनों से वर्चुअल प्रक्रिया के जरिए चल रहा है, जहां केवल अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही है। इससे न्यायिक कार्य से जुड़े अधिवक्ता और मुवक्किल दोनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने वर्चुअल मोड की सुनवाई को बंद कर रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग की है। 5 जनवरी तक रेगुलर कोर्ट शुरू कराने की कवायद नहीं हुई तो 6 जनवरी से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखने की चेतावनी दे रहे हैं। 5 तारीख को हम लोग के झारखंड स्टेट बार काउंसिल का एक आम बैठक माने अर्जेंट किया गया था इसी मुद्दे को लेकर। खाली एक ही हमारा एजेंडा था कि वर्चुअल कोर्ट को फिजिकल कोर्ट में कन्वर्ट करने का, और उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग एक पत्र लिखकर चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट के जो है उनसे समय मांगने का काम था कि 4 तारीख तक उनसे हम लोग को मुलाकात करना है बार काउंसिल के सदस्यों को जाकर। उनका कोई एश्योरेंस हम लोगों को मिलता है कि 15 तारीख के पहले अगर फिजिकल कोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा कोर्ट को, तो हम लोग जो है अपने बातों को ये वहीं पे पुनर्विराम करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो पाती है तो 15 तारीख या 5 तारीख को जो है हम लोग वर्चुअल एक ठो बैठक करके 6 तारीख से पेन डाउन करने की बात हम लोगों का यही निर्णय में आया है। तो हम लोग न्यायालय में अर्जेंट मैटर की हो रही सुनवाई की वजह से कोर्ट में लंबित मामलों का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं जूनियर अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, यह है कि आज के डेट में FIR तो आपको अगर थाना नहीं लेती है तो पब्लिक परेशान होकर कोर्ट आती है तो कंप्लेन केस करती है। कंप्लेन केस का कोई गवाही हो नहीं पा रहा, जब तक गवाही नहीं होगा तो कंप्लेन केस में कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगा तो उस पर एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए चारों तरफ स्थिति बहुत ही ख़राब है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए स्थिति तो आप जान ही रहे वैसे ही है। आज 10 महीना से कोर्ट करीब करीब बंद हो गई है। 14 मार्च को चिट्ठी आया तो उससे गवाही बंद हो गई। 14 अप्रैल के बाद मार्च के बाद से आज तक एक भी गवाही नहीं हुआ। कोई भी कोर्ट का जो है केवल बेल और बहस का जो आर्गूमेंट है वही हो रहा है। उसमें भी कभी नेट रहता काम होता, कभी नेट नहीं रहता वो भी बोल देता कि नेट नहीं है काम बंद। तो हम लोग तो ये एक तरह से जो है सो अपंगु हो गए हैं, कोई काम। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही झारखंड के सभी जिला अदालतों समेत झारखंड हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था से चल रही है। वहीं अनलॉक शुरू होने के दौरान से ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगभग सभी सेक्टर्स में छूट दी गई है। इसके बाद से राज्य भर के अधिवक्ता कोर्ट को भी रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं। News 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। बोकारो में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर